नमस्कार वीकेंड इंटरव्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और आज हम हमारा सौभाग्य है कि स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको पंडित धनंजय दैठंकर जी दिखाई दे रहे हैं संतूर का बहुत जाना माना नाम है बचपन से संगीत के संस्कार हैं और आ, कई बड़े कलाकारों का गुरु के तौर पर मिला है आपको आशीर्वाद इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले बहुत विनम्रता से आपका स्वागत कर रहा हूं पंडित नमस्ते बहुत शुक्रिया तो पहला तो प्रश्न जो उत्सुकता पैदा करता है आपके तमाम सुनने वालों में और आपके तमाम चाहने वालों में वो यही कि शुरू तो तबले से हुए थे फिर संतूर कैसे आ गया आ, उसका ये कारण है एक तो मेरे घर में शास्त्रीय संगीत की बहुत बड़ी परंपरा है मेरे पिताजी दिगंबर तेठणकर जो एक शास्त्रीय गायक थे प्रोफेशन से तो नहीं थे लेकिन उनको बहुत चाहत थी तो हमारे घर में वैसे 24 घंटे म्यूजिक चलता ही रहता था तो नेचुरली बचपन से मेरे ऊपर ये संस्कार होते रहे और जब मैं करीब सात आठ साल का था तब से मैंने तबला सीखना शुरू किया आ, मेरी शिक्षा हो गई मेरे तबले के गुरु पंडित जी एल सामंत जी जिनके पास करीब मैं दस साल तक तबला सिखा और उस दरमान ऐसा हो गया कि आ, बजाते बजाते मैंने का बहुत सारे उस उम्र के हिसाब से प्रोग्राम्स किए रेडियो पे उस जमाने में रेडियो बहुत फेमस था तो रेडियो के बहुत सारे वो वाणी जो यूथ के लिए प्रोग्राम थे तो उसमें सोलो किया तो ये ऐसा आ, चलता ही रहा आ, तो आप कह रहे थे कि मैं संतुर की तरफ कैसे गया तो उसकी बात ऐसे जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में संगीत तो था पिताजी की वजह से एक तो ऐसा था कि पिताजी गाते थे तो शायद उनको ऐसा लगता था कि उनको मैं संगत करूं इस हिसाब से उन्होंने मुझे तबले की तबले के लिए भेज दिया और आप तो जानते हैं कि तबला भी नाम आता है तो डेफिनेटली जाकिर हुसैन का नाम आता है उन्होंने ऐसा कुछ काम किया तो मेरा तो बिल्कुल बहुत बचपन का वो समय था और उम्र भी कम थी तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वो क्रेज जैसी थी पुणे में एक प्रोग्राम आ, आ, में मैं गया था एक्चुअली ऐसा था कि उस वक्त तबले की बहुत चाहत थी और जैसे मैंने बताया कि जाकिर हुसैन उनका तो बहुत क्रेज था तो मैंने मैं सुनने गया था तबला और मुझे पता भी नहीं था कि मैं किस किसका प्रोग्राम सुनने जा रहा हूँ तो वो ऐसा था कि वो प्रोग्राम था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का और मैं गया था तबला सुनने के लिए लेकिन उस बार मैंने पहले संतूर सुना मेरी उम्र करीब उस वक्त कुछ पंद्रह सोलह साल की होगी और इंस्ट्रूमेंट एंड द पर्सनैलिटी ऑफ दैट आर्टिस्ट और ये मुझे मैंने पहले कभी सुना भी नहीं था और मैं मतलब सुनने गया था तबला लेकिन मैं बस अट्रैक्ट हो गया संतूर की तरफ और मैं ऐसे और उसमें वो सब तबले की बातें मुझे वहां दिखाई दी जैसे लयकारी है तैयारी है, सुमधुरता है और उसका जो जो टोन था मैंने कभी सुना ही नहीं था और उस उस ऐसा था कि मैं प्रैक्टिस के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के पास जाता था लेकिन संतूर में कभी ऐसा नहीं हुआ था मैं सितार के साथ बजाने जाता था मैं डांस के साथ प्रैक्टिस के लिए जाता था लेकिन ये मैंने जब सुना तो मैं बिल्कुल दीवाना हो गया उस इंस्ट्रूमेंट का और मैं उस वक्त मैंने वो समझ लिया कि अभी बस मुझे ये इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो ये एक्चुअली आप जो कह रहे थे आगे और चल के मैं आगे क्या हो गया ये बताऊंगा लेकिन संतुर की तरफ क्यों गया और कैसे गया इसका ये कारण है कि और ये और एक कारण उसमें ऐसा है कि मैं तबले के साथ और भी कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता था लेकिन ऐसा था कि तबला वॉज माई फर्स्ट लव तो मैं तबला तो कभी छोड़ने वाला नहीं था तो जैसे मैंने बताया कि मैं सितार के साथ संगत के लिए जाता था तो मैं देखता था कि वो बजाते हैं तो वो उनके नाखून वो नखी जो है वो पहनते हैं तो और उनको बहुत खून आता है और यहाँ भी बहुत ये छाले पड़ जाते हैं तो मैंने सोचा कि ये ऐसे हम करेंगे तो तबला कैसे बजाएंगे तो एक एक इंस्ट्रूमेंट आउट होता गया तो उस वक्त मैंने संतूर देखा अरे ये तो दो उंगली से और स्ट्राइकर से बजाया जाता है तो ये ये बजाएंगे तो तबले में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ये ये सोच के वो भी एक रीजन था कि संतूर मुझे बहुत प्यारा लगा इसने तो इसकी वजह से संतूर की तरफ मैं चला गया अच्छा पंडित जी हम जब भी किसी कलाकार से इंटरव्यू करते हैं तो हमेशा एक कोशिश करते हैं कि जिन गुरुओं का आशीर्वाद उनको मिला उनके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जाने चूंकि पंडित जीएल सामंत साहब आपके पहले गुरु रहे और निश्चित तौर पर एक कलाकार के तौर पर आपको गढ़ने में उनका बड़ा योगदान रहा थोड़ा उनके बारे में भी याद करके बताइए उनसे जुड़ी कुछ यादें हमसे शेयर कीजिए मैं जैसे मैंने बताया मैंने करीब दस साल तबला उनसे सीखा और मैंने जब शुरू किया उस वक्त मैं शायद सात या आठ साल का हुआ रहता होगा तो उस वक्त मैंने जब शुरू किया मेरे पिताजी वहाँ पुना के नजदीक जो लोनावला हिल स्टेशन है वहां पे वो रहते थे और ऐसा हो गया कि जीएल एल सामंत जी तो पूना में रहते थे तो पहले मैं लोनावला में एक वहां के एक का नाम भी है भिड़े गुरु जी है उनके पास थोड़ा बहुत मैं तबला सीखा लेकिन पिताजी चाहते थे कि मैं और आगे तो वो तो सामन जी पुना रहते थे और मैं लोनावला तो फिर कैसे किया जाए तो ऐसा हो गया मेरे पिताजी उनके पास मुझे लेके गए और सामन जी ने मेरे लिए स्पेशल वो ऐसा था कि संडे को उनके क्लास बंद हुआ करते थे नहीं नहीं रहते थे और उनके हमेशा ऐसा होता कि हफ्ते में तीन बार उनका क्लास हुआ करता लेकिन मेरे लिए उन्होंने सैटरडे को दो घंटे और संडे सुबह दो घंटे ऐसे मेरे मेरे लिए वो स्पेशल मुझे वो सिखाते थे और ऐसा हुआ करता था कि मैं मेरी सैटरडे की स्कूल खत्म होने के बाद दोपहर के लोकल से मैं लोनावाला से पुना आ जाता था अकेला उस वक्त मेरी उम्र थी सात या आठ साल की अभी मैं कहता हूँ ये मेरे मेरे से भी ज्यादा मेरे माता पिता जी की ये उनकी ज्यादा सपोर्ट है या उनकी चाहत है कि वो इसी वो संगीत सिखाने के लिए इसी इसके लिए भी तैयार था तो मैं दोपहर को स्कूल के बाद शाम शाम को को आ जाता था और उनके पास शाम को से आठ बजे तक तबला सिखता था फिर नेक्स्ट डे आठ से दस बजे तक वो मुझे सिखाते थे फिर आ, फिर मैं दोपहर के ट्रेन से फिर वापस लोनावाला जाता था ये ऐसा करीब दो तीन साल तक चलता रहा और ये मतलब बहुत सारे ये कहीं पढ़ते हैं या कहीं मैंने बताया ये सुनकर बहुत लोग अचंबित होते हैं कि ये इतने छोटे बच्चे को इन्होंने कैसे ये छोड़ दिया लेकिन मेरे ख्याल से ये संगीत की मेरे ख्याल से खासियत है मेरे पिताजी की चाहत थी और भगवान भी है वो भी हमको संभाल लेता है कैसा भी हो तो ये होने के बाद फिर मैं पुनः आ गया कुछ दो तीन साल के बाद फिर उनके पास मेरी बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग हो गई मतलब मैं अभी पक्का मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आ, वादक नहीं होता तो मैं डेफिनेटली हो जाता। लेकिन ऐसा है कि दस साल में मुझे इतना कुछ ताल का तबले का नॉलेज मिला जो सब मुझे मेरे आगे की जिंदगी के लिए बहुत जिसका फायदा हो गया अभी ऐसा हो गया कि आ, मैं मेरे पहले गुरु रतन लाल उनके पास गया फिर उसके बाद शिवजी के पास गया अभी शिवजी जैसे कलाकार के पास सीखना ये तो बहुत बहुत बड़ी सौभाग्य की, की बात है लेकिन वो जो कुछ सिखा रहे हैं वो समझना और उनको भी उस हमारे बारे में विश्वास आना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि मेरा तबले का बेस बहुत अच्छा था और मैंने जैसे बताया कि आ, आ, उस वक्त तबला जब मैं बजाता था तब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करता था वो उस वक्त मैंने कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया तबले में भी मुझे प्राइज़ेस मिले तो तबले का तो ऐसा अच्छी तरह से चल रहा था आ, संतूर तो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ तो ऐसी कुछ घटनाएं घटी है, है जो कभी हम सोच भी नहीं सकते अभी आ, संतूर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे आगे पीछे कहीं भी मैं मतलब कभी देखा नहीं था लेकिन अभी हो गया ऐसा कि वही मेरा जीवन हो गया अभी आप जानते हैं निनाद भी आ, संतूर बजाता है उसमें भी उसने भी करियर किया है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मतलब ये परंपरा जो चालू हो गई तो मैं कहता हूं कि ये इसमें भगवान का और मेरे गुरु का मेरे माता पिता का सबका ये आश्चर्य बिल्कुल और जब इस तरह से आप लोग अपने संगीत सफर के बारे में बताते हैं तो मुझे लगता है कई बार जो संगीत के नए छात्र हैं उनके लिए सीखने के लिए कितना कुछ है कितना आसान नहीं होता कि आप अचानक एक दिन आपके नाम के साथ पंडित जुड़ जाए या उस्ताद जुड़ जाए और इससे भी कहीं ज्यादा आपको वो प्यार सम्मान मिलने लगे जो आप लोगों को मिलता है कितने संघर्ष होते हैं आपने बताया कि लोकल से जाते थे आते थे ये सब सीखने के लिए बहुत कुछ है अच्छा पंडित जी एक सवाल और जानना चाहें शिव जी के बारे में तो अलग से बात करेंगे ही करेंगे लेकिन एक सवाल अभी और जानना चाहूंगा कि पिताजी चाहते थे कि आप तबला सीख लें उनके साथ संगत करें आपने तय कर लिया आप आप आकर्षित हो गए संतूर के प्रति और आपने संतूर के प्रति जब आकर्षण के बाद जाके पिताजी से कहा होगा कि मेरा संतूर सीखने का मन है और परिवार में कोई पृष्ठभूमि नहीं संतूर की पिताजी का रिएक्शन कैसा था आ, एक तो वैसे ही था कि एक तो संतूर किसी को पता ही नहीं था अभी इसीलिए मैंने कुमार शर्मा हाँ शिव कुमार शर्मा ये तो नाम पता था लेकिन वो कैसा था कि देखा जाए तो अभी आगे हम चलेंगे अभी आपने सिर्फ मैंने आपको मेरा तबले का सीखने का संघर्ष बताया संतूर का सीखने का संघर्ष कैसा है वो भी आगे बताऊंगा तो इसीलिए मतलब वही है कि इंस्ट्रूमेंट ये बिल्कुल नया था अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने संतूर जब मेरे मन में आ गया कि मुझे सीखना है तो पहली बात है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट मिलना चाहिए तो इंस्ट्रूमेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो ये बहुत बड़ी बात मैंने उस जमाने में सब म्यूजिक शॉप्स में जाकर फिर देखा बहुत बार बहुत जगह पर पूछा अभी ऐसा हो गया कि अभी ऐसा जमाना है कि संतूर अभी मिलना बहुत पॉसिबल हो गया बहुत आसान है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा हो गया ठीक है मैंने ये तो हो गया कि संतुर सुन लिया अभी मुझे सीखना है तो उसके लिए ऐसी बात हो गई कि मुझे एक संतूर खुद के लिए बनाना पड़ा तो एक इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया और वो वो बनाया इसीलिए अभी चलो अभी बनाया है तो अभी इसमें सीखना भी चाहिए ये चल के फिर वो संतुर का आगे का मेरा सफर शुरू हो गया तो, जी का, तो आ, मतलब उनको ऐसे मतलब उन्होंने अपोज किया ऐसे कुछ नहीं किया उन्होंने तो मुझे सपोर्ट ही किया क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि जब आपके घर में उसका माहौल हो आपके हेरिडिटरी अगर आपके पास हो तो ये बहुत अच्छा होता मैं समझता हूँ मेरा ये बहुत अच्छा नसीब है कि मुझे घर में से कभी भी मतलब ये अपोज नहीं हुआ कि अरे तुम रियाज कर रहे हो वो छोड़ दो आप स्टडीज करो आगे चल के क्या करना है ऐसी बात नहीं कभी तो मैंने आ, ऐसा हो गया कि आ, जब तक मैं संतुर बना रहा था तब तक उसमें कोई सीरियसनेस नहीं था मैंने तो शिवजी का संतुर सुना था तो मैंने तय किया था मुझे एक इंस्ट्रूमेंट तो बजाना है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैं जाऊंगा शॉप में जाऊंगा और लेकर संतुर आकर बजाना शुरू करूंगा ऐसी कुछ बात थी लेकिन जल्दी मुझे समझ में आ गया इंस्ट्रूमेंट की नहीं है तो पहली आई द इंस्ट्रूमेंट तो इससे ये पहले मेरा संघर्ष शुरू हो गया और पिताजी वो तो ए, कहते थे जो कर रहा है अच्छी बात है और कोई दूसरी अलग सी कोई बुरी बात आ, मतलब नॉट बुरी कुछ करने से ये अच्छा है कि म्यूजिक का कुछ कर रहा है तो वो उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छा सपोर्ट दिया और मैं तो ये कहूंगा जब मेरा अभी ऐसा हो गया कि संतुर तो बनाया है और उस वक्त पंडित शिव कुमार शर्मा के बगैर दूसरा संतुर के लिए कोई नाम ही नहीं था सिखने के लिए तो अभी क्या करना है तो हमने मेरे को मैंने बोला तो वो बोले ठीक है हम वो बंबई में रहते थे इतना पता था तो बम्बई में जाकर हम देखेंगे क्या करना है तो ऐसा हो गया कि उन्होंने खुद एक कहीं से उनको पता चला कि शिवजी का बंबई में एक प्रोग्राम उनका घर का और ऐसा तो कुछ एड्रेस मालूम नहीं था तो कैसे उनको ढूंढ के निकाले तो उनका एक प्रोग्राम था वो बोले कि हम उन उनको वहां जाकर मिलते हैं हैं और फिर देखते हैं उनसे सलाह तो ऐसा हो गया ये सब मेरे पिताजी ने किया तो उस वक्त जब मैं अभी सोलह साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे लेकर वहां बम्बई गए मुझे याद है गोरेगा में उनका प्रोग्राम था और वो ऐसा उस समय था कि पूरा तीन घंटे शिवजी का प्रोग्राम था अभी इस जमाने में एक एक आर्टिस्ट का तीन घंटे का प्रोग्राम कभी नहीं होता लेकिन वो प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में इंटरवल में मैं उनसे जाकर मिला और मैंने बताया मेरे पिताजी ने बताया कि ये लड़का है इसको सीखना है तो मैंने बताया कि सीखना है आपका मैंने सुनाया और मैंने एक संतुर बनाया है तो ये जब उन्होंने सुना कि मैंने बनाया करके वो बिल्कुल मतलब चौंक गए अरे ये इतना मतलब छोटा सा एक लड़का संतुर बनाता है तो मतलब ये ऐसी सौभाग्य की बात है उन्होंने मतलब बहुत एनकरेज किया और ऐसा हो गया कि मैंने बोला कि अभी ऐसा है गुरुजी की मैंने बनाया तो है तो अभी मुझे सीखना है तो अभी मैं क्या करूं आप मुझे बताइए तो इसीलिए मैं आपसे मिलने आया तो तो वो बोले कि अरे देखो अभी मैं तो बिजी रहता हूँ अभी तुमने बनाया है अच्छी बात है तुम आ, ऐसा करो तो उस वक्त उनके साथ तानपुरे पर थे मेरे पहले गुरु पंडित रतन लाल वो वहां पे थे तो उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाया और उन, उनसे उनको बात कही कि रतन जी ये देखिए ये लड़का पुनः से आया है और इसने खुद संतुल बनाया है और ये सीखना चाहता है तो आप इसे सिखाइए तो जैसे शिवजी ने ये जैसे गुरु आज्ञा जैसे और वो रतनलाल टिकू ये शिवजी के पहले शिष्य है उनके अः जैसे पट्ट शिष्य कहते और मुझे तो पता था और मेरे तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि आ, मुझे पता था कि प्रोग्राम जैसे कि शिव कुमार शर्मा ये कितनी महान कलाकार थे तो मैं तो बिल्कुल एक बिगिनर हूं तो मेरे उनके पास जाकर उन उनको कहना कि आप मुझे सिखाइए तो पॉसिबल नहीं है बस मुझे सीखना है वो गाइड करे ऐसा ही मैं सोचता था तो उन्होंने उनके ही शागिर्द को बोल दिया तो मैं मेरे मन में आया अरे ये अच्छी बात है उनके घराने में ही मैं चला गया तो ये एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी और तभी से मेरा पंडित रतनलाल टिक्कू जी के पास मेरा सीखना शुरू हो गया फिर ऐसा हो गया मैं करीब उनके पास चार साल तक सीखा और ऐसा हो गया कि आ, जो खानदानी ट्रेडिशनल जो होता है गुरुकुल अभी इस जमाने में गुरुकुल तो पॉसिबल नहीं है लेकिन सिर्फ मैं कहता हूं गुरुकुल मतलब गुरु के घर में रहना ये छोड़ के बिल्कुल वैसा ही मेरा सब सीखना हो तो रतन जी के पास मैंने बहुत डिटेल में मुझे उन्होंने मुझे पहले ही ये कुछ बातें बताई कि अभी तुम सीख रहे हो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है तो पहली बात यह है कि तुमको पहली जो कुछ करना है तो पहले गुरु को सरेंडर हो जा तो इसीलिए फिर उन्होंने बताया कि अभी ये खानदानी सीखना है तो अभी तुम जो सीखो सीखोगे इसके लिए तुम्हें पहले तुम्हारे हाथ तैयार करने के लिए तुम्हें पलटो का रियाज का रियाज, का रियाज ये करना पड़ेगा तो उसमें एक डेढ़ साल लगेगा और उसमें ऐसी बात है कि जब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये तुम अच्छी तरह से नहीं बजाया है तो मैं आगे का नहीं सिखाऊंगा तो कहीं तो ऐसा होता था मैं पुना रहता था और रतन जी बंबई रहते थे तो तो हर सैटरडे या संडे दस पंद्रह पंद्रह दिन के बाद मुझे बुलाते थे तो उस वक्त ऐसी बात ही थी, थी कि मैं और इंस्ट्रूमेंट लेके मुझे जाना पड़ता था तो मैं पुणे से इंस्ट्रूमेंट लेकर बंबई जाता था उनके पास सीखता था कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने जो सिखाया है उनके सेटिस्फेक्शन लेवल तक मेरा शायद नहीं हुआ है तो वो कहते थे नहीं ये इसका और ज्यादा रियाज करना चाहिए इसका रियाज करो उसमें कुछ करेक्शन करते थे फिर मैं वापस पूना जाता तो ऐसा हो जाता कि कभी कभी कुछ नया बिना सिखाए भी मैं चला जाता लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट तो ऐसी करीब उन्होंने मुझे डेढ़ या दो साल मेरे सिर्फ पलटो का रियाज करवाया मुझसे उसके बाद फिर उन्होंने फिर मेरा राग शुरू किया और वो राग था राग यमन और बिल्कुल सिस्टमेटिक मतलब मैं उनके पास जाता था मैं अकेले हुआ करता तो मैं शाम को जाता था तो दो तीन घंटे वो मेरे पास सीखता और उस वक्त वो रेलवे में जॉब करते थे तो वो मुझे कभी मैं डे जाता तो वो ऑफिस से आकर फिर इमिजिएटली मुझे सिखाने लगते थे और अभी देखिए मेरी उस वक्त अभी उम्र थोड़ी सतरा साल की हुई होगी लेकिन हर वक्त इंस्ट्रूमेंट लेकर आना मुंबई आना और अभी जैसी जो ट्रेवल की सुविधा है उस वक्त बिल्कुल नहीं थी तो वैसे ही वापस फिर पूना जाना ऐसे करके मेरा चार साल तक उनके पास सीखना अभी इसके बाद ऐसी कुछ बात हो गई बीच में अभी मैं चार साल में रतन जी के पास सीख रहा था बीच में पूना में जब शिवजी का प्रोग्राम हुआ करता था तो फिर प्रोग्राम सुनने जाते थे उनसे मिलते थे तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिवजी शिवजी ने मुझे याद रखा था उनको पता था कि मैं रतन जी के पास सीख रहा हूँ तो जब भी मैं उनसे प्रोग्राम में मिलता था तो नेक्स्ट डे उस, उस वक्त ऐसा था कि वो नेक्स्ट डे रहते थे और फिर सुबह मुंबई निकल जाते थे तो वो कहते थे कि चलो मुझे सुनाओ तुम्हें क्या तुम्हारा चल रहा है क्या रतन जी ने सिखाया क्या तुम्हारा रियाज है तो नेक्स्ट डे वो सुबह मुझे वो रहते थे वो उस होटल पे मुझे बुलाते और वो सुना सुनते थे मैं क्या और तो मैं अभी ऐसा है कि एक, एक बचपन का ऐसा डर ऐसा कुछ नहीं था तो मतलब रिस्पेक्ट और बिल्कुल था तो वैसे मैं उनके जो रतन जी ने सिखाया वो बजा के दिखाता तो वो बोलते सुनते थे और उसमें और कुछ दो चार नए चीज मुझे पता उस कैसा ऐसा करीब चलता रहा जब तक वो पुणे में आते थे तो मैं अभी ऐसा ऐसी बात थे थे कि मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता था कि मैं शिवजी की परंपरा में सीख रहा हूँ रहते और मुझे तब तक पता चल रहा था कि रतन जी भी महान कलाकार भी कैसी तालीम है तो वो शिवजी वाज वेरी तो एक दिन आ, 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 1981 में मैं आ, रतन जी के यहाँ सीखने गया था तो उन्होंने मुझे सिखाया और फिर सीखना हमारा खत्म होने के बाद जब मैंने निकल रहा था तो उन्होंने बोला रतन जी एक बात मुझे बोलनी है मुझे शिवजी ने एक मैसेज दिया शिवजी शिवजी ने तुम्हें उनके यहाँ बुलाया है और आपसे आगे शिवजी खुद तुम्हें सिखाएंगे so me, क्योंकि ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था क्योंकि आई नो दैट सो ग्रेट म्यूजिशियन एंड सो बिजी एंड आई एम अ बिगिनर तो मैं सोच रहा था मेरा चल रहा है ऐसा और ये पता चल रहा था कि हम क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं तो इसमें हमको रियाज करना है देर तो लगेगी और जितना जब तक वैसे ही रतन जी ने पहले बताया कि जब तक हम परमिशन नहीं देंगे तब तक कहीं भी बाहर बजा नहीं सकते ये बिल्कुल अभी मालूम हो गया था कि कैसे हम सीख रहे तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लेकिन ये ऐसी बात हो गई कि शिवजी ने खुद मुझे उनके उनके, उनके, उनके उनके पास बुलाया और फिर 81 से मेरा उनके, उनके पास सीखना शुरू हो गया धनंजय जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कल रात एक बार फिर हमसे आप जुड़िएगा ठीक दस बजे और अगला हिस्सा मिस मत करिएगा क्योंकि अगले हिस्से में होंगी पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में और भी कई दिलचस्प बातें कल रात ठीक दस बजे